Yesterday we have discussed about creating email account, I think. Yeah, email account create करना आ गया था ना? वैसे तो yes ma'am, बना भी लिया. बना लिया? Very good. AMCQs में बताओ कौन सा steps सही है. सबसे पहले क्या करेंगे इन चारों में से? Email में sign in. Email account बन चुका है आपका. अब आपको sign in करना है. So what will be the first step? Third. Click on signing. Second. Gmail में for example आपका है. सबसे पहले gmail.com पे जाएंगे. Then click sign in. फिर click on the sign in. Then type username. Then type password. मतलब second, third, first and fourth. B option is right. If you are having your email account in Gmail, then first you have to open your browser, type the gmail.com. Then it will ask you the sign in option. Sign in में जाके आप अपना username और password डालेंगे. पहले username फिर password और तब आपका account sign in हो जाएगा. Which one of the following statement is false? इनमें से कौन सी चीज गलत है A, B, C, D में से? बताओ. C option. Yes. You do not need an internet connection to use Gmail account. कोई Gmail account के लिए internet connection चाहिए हमें email send करने के लिए? This is the wrong statement. Which of the following is an email service? Gmail. Very good. ये तो हमने two false हमने किया था शायद इसमें. Okay, the next is इसके आंसर्स दे रखे मैंने. नाउ यू हैव क्रिएटेड योर ईमेल अकाउंट. साइन इन करना तो सबको आता ही होगा, नहीं तो मैं दिखा देती. जैसे जीमेल में नहीं, मेरा जीमेल तो साइन इन है ऑलरेडी. जैसे मैंने याहू मेल खोला, तो सबसे अगर मुझे याहू मेल खोलना है तो एड्रेस बार में क्या लिखूंगी? yahoo.com. फिर यहाँ पे साइन इन ऑप्शन आएगा जैसा अभी हमने पढ़ा. साइन इन पे क्लिक करेंगे. साइन इन पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे क्या पूछेगा? आपका ईमेल अकाउंट क्या है? तो मैं अपना ईमेल अकाउंट जो भी होगा वो टाइप करूंगी. वैसे ये मेरा एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे ही मैंने लिखा है समझाने के लिए. नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी ना तो ये पासवर्ड पूछेगा, क्योंकि मेरा ये अकाउंट सच में है नहीं इसलिए एरर दे रहा है. यहाँ पासवर्ड पूछेगा. पासवर्ड पूछते ही जैसे ही आप पासवर्ड लगाएंगे आपका इस तरह से अकाउंट खुल जाएगा. यहाँ पे ये पूरी स्क्रीन टू पेन्स में डिवाइड होगी, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, कंपोज, इनबॉक्स, these all options जो भी हम discuss करेंगे. और right hand side में आप जो जैसे inbox में वो सारी mails होती है जो आपने receive की है, आपको जिन जिन लोगों ने letter भेजे हैं, mails भेजी है, वो inbox में click करने पर right hand side में सारी mail दिखाई देती है. और जो mail आप खोल के देखना चाहते हैं उस पर आप click करें और वो mail आपको दिखाई दे जाएगी. वापस back button पे click करें, ये आपको आता ही होगा. तो यहाँ पे यही स्टेप दे रखे हैं कि अब आपका ईमेल अकाउंट बना हुआ है, आपने साइन इन कर लिया. नाउ यू वांट टू सेंड अ लेटर, आपको किसी पर्सन को ईमेल करना है. जैसे तो
मुझे जैसे मेल करना है, आप में से किसी का ईमेल अकाउंट बना हुआ है? यस मैम, मेरा बना हुआ है। मेरा बना हुआ है। ठीक है, तो मैं जैसे मैं कंपोज, मुझे मेल करना है तो मैं किस पे क्लिक करूंगी? कंपोज पे। अब टू में अपना ईमेल एड्रेस बताओ तुम दोनों में से कोई। मैम बाहुबली। बाहुबली मैम मैं बताऊं? दोनों पहले बाहुबली वाला बताना दो, फिर दूसरा उसमें बताएंगे। BHA। आगे HU, फिर BAL। 108। क्या बोला? 108@gmail.com। ठीक है, तो मुझे जिस पर्सन को मेल करना है मैं उसको कहाँ लिखूंगी? टू बॉक्स में। ठीक है, अब जैसे मुझे इसको मुझे नोट्स भेजना है कंप्यूटर के चैप्टर 3 के, तो मैं क्या लिखूंगी? सेंडिंग, या सब्जेक्ट लिखा हुआ आता है, सब्जेक्ट में आप जो मेल आप भेज रहे हो उससे रिलेटेड आप अपना सब्जेक्ट लिखेगा, आप मेल क्यों भेज रहे हैं। कोई ये ऑप्शनल है, कोई जरूरी भी नहीं है लिखना, पर लिखो तो अगले को समझ में आ जाता है कि मेल क्यों किया है। तो सेंडिंग नोट्स ऑफ कंप्यूटर चैप्टर 3। अब मैंने मेल लिखा, अब मैं या सब्जेक्ट लिख दिया या मैंने ईमेल एड्रेस टू बॉक्स में लिख दिया। अब मेन मैसेज में मैं लिख सकती हूँ, हेलो डियर, आई एम सेंडिंग यू नोट्स ऑफ कंप्यूटर, please complete your work in notebook। जो भी मैसेज है मैं यहाँ टाइप, कितना भी बड़ा मैसेज लिख सकती हूँ। तो ये नीचे जो ऑप्शन है उसमें अटैच फाइल का ऑप्शन है, क्लिप, पेपर क्लिप के सिंबल का, इस पे क्लिक करूंगी मुझे अगर कोई फाइल अटैच करनी है तो, क्योंकि मैं इसको नोट सेंड करना चाह रही हूँ। तो मैं अब मुझे यहाँ इन फाइल्स में से मल्टीपल फाइल्स भेजनी है तो मैं कंट्रोल की के साथ मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ 1, 2, 3, 4। ये सारी मैंने कंट्रोल की प्रेस कर रखी है कंप्यूटर की, और उसके साथ मैं जितने भी PDF है इस चैप्टर के मैं सेंड करना चाहती हूँ स्टूडेंट को, तो मैं सेंड कर सकती हूँ। तो ये सारे PDF जो है वो 1 by 1 अटैच हो जाएंगे। मल्टीपल, एक ही फाइल करनी है तो एक पे क्लिक करके ओपन करें, मल्टीपल करनी है तो कंट्रोल की के साथ करें, तो सारे PDF हो गए। और मैं सेंड पे क्लिक करूंगी तो इसको ये मैसेज सेंड आ गया। तो लाइक दैट यू कैन सेंड अ मेल बाय क्लिक ऑन द कंपोज ऑप्शन। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे आप टू बॉक्स के राइट हैंड साइड में देख रहे हैं CC और BCC ऑप्शन लिखा हुआ है। इसका क्या यूज है कि मुझे एक ही मेल मल्टीपल लोगों को भेजना है, जैसे कि ये आप 9th C के स्टूडेंट्स हैं, मुझे ये नोट्स जो है वो नोट्स तो सबके लिए 9C के सारे स्टूडेंट के लिए सेम ही होंगे, तो मैं मल्टीपल लोगों को सेंड कर सकती हूँ सेम मैसेज। ऐसे ही अगर आप किसी को हैप्पी दिवाली विश कर रहे हैं, ग्रीटिंग कर रहे हैं, तो आप मल्टीपल लोगों को एक ही ग्रीटिंग दे सकते हैं कि विशिंग यू हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। मैसेज सबके लिए सेम होगा, ग्रीटिंग सबका सेम होगा, तो आप एक ही मैसेज मल्टीपल लोगों को भेज सकते हैं। तो अभी मैंने जैसे किसी और का एड्रेस बताओ, और दूसरा कौन बता रहा था? मैम मैं बता रही थी, मैम चौधरी, चौधरी अलीशा, अलीशा 39 @gmail.com। अब मुझे अलीशा को ये मेल भेजना है, मुझे नोट्स भेजना है। अब और कोई स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे भी चाहिए, तो मेरा नोट्स तो सबके लिए सेम है,
तो मैं एक ही बार बार मैसेज करने के बजाय मैं एक ही बार में भेज सकती हूँ, उसके लिए मैं सीसी ऑप्शन पे क्लिक कर सकती हूँ। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, अब और कोई स्टूडेंट का मेल एड्रेस है आप में से? नहीं है तो मैं कोई भी एड्रेस लिख देती हूँ। जैसे अब मैं ई नाम पे मैंने किया ना, तो मेरे मैं ऑलरेडी जिन लोगों को भेज चुकी हूँ ना, वो मुझे ये लिस्ट दिखाने लग जाता है। तो जैसे मैंने अलीशा और इस दोनों पर्सन को एक ही मेल भेजा, उसके अलावा भी किसी को करना है तो मैं सीसी में और एड्रेस भी लिख सकती हूँ, जो भी आप टाइप करें। तो सीसी में मतलब जो मेन मैसेज मैं अलीशा को भेज रही हूँ, उसी की कॉपी मुझे इन दोनों मोहित को और इमैनुएला को भी सेंड करनी है। तो यहाँ सब्जेक्ट में मैं फिर से लिख दूंगी सेंडिंग नोट्स ऑफ कंप्यूटर, और अटैच बटन पे जाऊंगी अगर मुझे अटैच करना है तो। मैं फिर से मल्टीपल फाइल्स को सेलेक्ट कर सकती हूँ कंट्रोल की प्रेस करके। इस तरह से मैं सारी फाइल्स कंट्रोल के साथ सेलेक्ट की, और अब ये मैसेज जो है वो किस किस को जाएगा? अलीशा को जाएगा और दो और लोगों को जाएगा, और ये मैंने सेंड कर दिया। ठीक है, तो ये अलीशा मैंने क्या किया था, सीसी मतलब कार्बन कॉपी पे क्लिक किया, तो अलीशा के अलावा दो और लोगों को पता गया है। लेकिन जब ये तीनों लोग जब ईमेल देखेंगे ना, तो अलीशा जब मेरा मेल पढ़ेगी तो उसको ये पता चल जाएगा कि मैंने अलीशा के अलावा दो और लोगों को भेजा है जिनका ईमेल एड्रेस मोहित और इमैनुएला है। ये मोहित और इमैनुएला को भी पता चल जाएगा कि मैंने अलीशा और उनको भेजा है। जिन तीन लोगों को भेजा उन तीनों को पता चल जाएगा कि मैंने उनके अलावा और दो लोगों को भेजा है। अगर कई बार आप एक मैसेज मल्टीपल लोगों को भेजते हैं और आप ये नहीं चाहते कि उनको पता चले कि आपने उनके अलावा और किसको भेजा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने मेल इमैनुएला को भेजा और मैं सीसी पे क्लिक नहीं करके बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी पे क्लिक करके जिस भी पर्सन का नेम लिखूंगी इनमें से किसी को भी, तो इमैनुएला को मैंने मेन मैसेज लिखा, बीसीसी में दिव्यंका को लिखा। अब मैं जो मैसेज सेंड करूंगी ना वो इन दोनों को पहुंचेगा, लेकिन दोनों को आपस में ये पता नहीं चलेगा कि मैंने उनके अलावा किसको भेजा है। तो इफ यू सेंडिंग द मैसेज टू मल्टीपल पीपल देन यू डोंट वांट कि उनको आपस में पता चले कि आपने उनके अलावा ये सेम मैसेज किसको भेजा है, तो आप सीसी की जगह किस पे क्लिक करें, बीसीसी पर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मतलब कार्बन कॉपी तो हो रही है लेकिन वो आपस में उनको पता नहीं चल रहा है। अगर सीसी फील्ड में लिखोगे तो तीनों को चारों को जितना भी नाम लिखा है आप उन सबको पता चल जाएगा कि आपने उनके अलावा किसको मेल भेजा है, और बीसीसी में करेंगे तो उनको आपस में पता नहीं चलेगा। तो इफ यू वांट टू हाइड दैट यू हैव सेंट अ मेल एंड यू डोंट वांट कि उनको पता चले कि आपने उनके अलावा किसको भेजा है, तो आप किस पे क्लिक करेंगे, सीसी पे, बीसीसी पे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, समझ में आया दोनों में अंतर? यस मैम। मैम हाँ, इसमें ये पता चल सकता है क्या कि मैम जिसको आपने भेजा है वो उसने वो मैसेज देख लिया है क्या? मैंने मुझे पता चलेगा कि उसने देखा है कि नहीं हो? यस मैम। जैसे व्हाट्सएप पे ब्लू साइन आता है ऐसा? यस मैम। मेल में आपको पता नहीं चलता है कि वो उसका पढ़ा है कि नहीं, उसका तो कोई साइन नहीं होगा, लेकिन अगर आप उनसे रिप्लाई चाहते हो तो वो रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये लिखो कि रीड एंड रिप्लाई मी, तो जो भी मेल आपने रिसीव किया है उसको आप रिप्लाई कर सकते हैं, रिप्लाई ऑप्शन पे जाके। या आई हैव, जैसे मैंने नोट्स भेजा तो आप लिख सकते कि वी हैव रिसीव्ड द नोट्स, थैंक यू मैम, ऐसा लिखोगे तो मुझे पता चल जाएगा। बाकी जैसे व्हाट्सएप पे जैसा ऑप्शन होता है ऐसे हमको पता नहीं चलता है ईमेल में कि पढ़ा है कि नहीं यूजर ने। मैम बोलो। मैम ये टू बॉक्स के अंदर मैम एक से ज्यादा ऐसे ईमेल एड्रेस डाल दे तो?
मैम बिना ये लिखे, बिना ये लिखे भी टू बॉक्स में हम कर सकते हैं, टू बॉक्स में आप कितनी भी मेल कर सकते हैं, ये अपने आप कॉमा करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, बस ओनली सी सी में भी जा सकते हैं, टू में भी लिख सकते हैं। बीसीसी का यूज तब टू में भी लिखोगे ना तो उनको आपस में पता चलेगा कि आपने उनके अलावा किसको मेल किया है। ओनली बीसीसी का यहाँ स्पेशल यूज है कि बीसीसी में जिसका एड्रेस लिखोगे ना तो उनको, उसको ये नहीं पता चलेगा, ये टू वालों को तो सबको पता चल जाएगा, लेकिन बीसीसी में आपने किसको, जिनका एड्रेस लिखा है उनको ना आपस में पता चलेगा कि आपने उनके अलावा किसको भेजा है, ना इन टू वालों को पता चलेगा कि किसको भेजा है आपने। ठीक है, बीसीसी में जिनके भी एड्रेस लिखोगे ना दो तीन लोगों के, उनको ये पता नहीं चलेगा कि उनके अलावा किन को मेल भेजा गया है। समझना है, तो ओनली यहाँ पे बीसीसी यूजफुल है अगर आप छुपाना चाहते हो किसी से कि आपने उनके अलावा किसको सेंड किया है। तो सीसी मतलब कार्बन कॉपी, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे मोहन नाम का इंसान है, उसको दिवाली ग्रीटिंग करना है, उसको अपनी डॉटर को, अपनी वाइफ को और अपने सिस्टर को करना है, तो उसने क्या किया, टू बॉक्स में सिस्टर का एड्रेस लिख दिया और सीसी में उसने अपने डॉटर और वाइफ का लिख दिया और तीनों को मेल चला गया दिवाली ग्रीटिंग का, लेकिन तीनों को आपस में पता चल रहा है। बीसीसी का यहाँ नोट्स में नहीं लिखा गया, मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको, ब्लाइंड कार्बन कॉपी पता होना चाहिए आपको कि अगर आप छुपाना चाहते हैं कि एक दूसरे को पता ना चले तो भी। जैसे चलो पहले ये देख लेते हैं, सब्जेक्ट फील्ड में हम सब्जेक्ट लिखते हैं किस टॉपिक पे मेल भेजा जा रहा है, जैसे अभी हमने किया था, और जहाँ मेन लेटर टाइप होता है उसको मेन बॉडी कहते हैं। ये पूरा एरिया कंपोज का सब्जेक्ट लिखने के बाद ये पूरा एरिया जो है उसको मेन बॉडी कहते हैं, यहाँ पे आप कितना भी बड़ा लेटर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद सेंड बटन पे क्लिक करना है आपको, और कोई फाइल अटैच करना चाहते हो तो यहाँ पे अटैचमेंट का पेपर क्लिप किस शेप का ऑप्शन होता है, याद रखना पेपर क्लिप शेप का अटैच बटन होता है, वहां से आप फाइल अटैच कर सकते हैं। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शंस आ रहे हैं, ये दो तो आपको पता चले, कंपोज इज यूज्ड टू सेंड अ मेल टू अ पर्सन, इनबॉक्स इनबॉक्स में देखो यहाँ 4678 मेल्स मेरे इनबॉक्स में है, क्योंकि मेरा ओल्ड अकाउंट है तो इतने मेल्स मेरे इनबॉक्स में है, तो ये दिखाई देगा। आपका न्यू अकाउंट है तो दो तीन चार कितने मेल्स है यहाँ दिखाई देगी, जिस मेल को आप पढ़ना चाहते हैं, या डेट वाइज हर मेल की आज की डेट की है तो वहाँ पे आज की टाइमिंग लिखी हुई होगी, कल का है परसों का, तो सारी डेट आप डेट वाइज आपकी मेल्स रखी हुई हैं। आप कोई मेल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसके चेक बॉक्स पे क्लिक करें, जो भी चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे वो सारी मेल्स जो है वो डिलीट हो, उस पर क्लिक करके ऊपर डिलीट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे वो डिलीट हो जाएगी। और अगर सारी की सारी मेल डिलीट करना है तो सबसे ऊपर वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सारी मेल सेलेक्ट हो गई, अब डिलीट करेंगे तो आपके इनबॉक्स की सारी मेल्स डिलीट हो जाएगी। इफ यू वांट टू डिलीट सेलेक्टेड मेल, यू सेलेक्ट द मेल एंड प्रेस ऑन डिलीट ऑप्शन। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे सेंट फोल्डर है, जो भी मैंने मेल सेंड की है वो सारी सेंट फोल्डर में रखी हुई है डेट वाइज। जैसे अभी मैंने किस किस को मेल सेंड की थी, अभी मैंने ये अलीशा को और दो और लोगों को सेंड की है, तो यह सारा डिटेल लिखा हुआ है कि मैंने 11:37 पे ये तीन लोगों को मेल सेंड की है, उसके अलावा मैंने कब कब की है, आज की डेट में सारे टाइमिंग लिखे हुए आ रहे हैं, कल की डेट में या 12 अगस्त को मैंने ये मेल सेंड की थी, तो वॉट एवर मेल आई हैव सेंड दैट ऑल डिटेल विल बी इन द सेंड फोल्डर डेट वाइज। सेंड फोल्डर में आपने जिनको भी, जिसका भी ईमेल अकाउंट है उसने जिस पर्सन को मेल सेंड की उनका डिटेल होगा। एक ड्राफ्ट फोल्डर होता है, कई बार क्या होता है कि हम मेल लिखते हैं, हमने मेल कंपोज खोला, मेल लिखना शुरू किया, लेकिन हमने मेल सेंड नहीं करी कोई भी वजह से, हो सकता है बीच में इंटरनेट ऑफ हो गया हो,
कंप्यूटर शटडाउन हो गया हो, या हमें किसी ने बुला लिया, हम उठ के चले गए, या हमने सोचा आज रहने दो कल भेजेंगे, तो वो सारी मेल ड्राफ्ट में चली जाती है जो आधी लिखी हुई होती है। जैसे मैंने खाली नेम लिखा, पर्सन का टू बॉक्स में नेम लिखा, उसके आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो ये ड्राफ्ट में चली गई। तो जो भी मेल आपने लिखी है, मैंने ये फाइल अटैच कर ली थी, पर्सन का नेम भी डाल दिया था, लेकिन मैंने उसको सेंड नहीं किया, तो वो सारी जो मेल से वो कहाँ चली जाती है, ड्राफ्ट में। सेंड फोल्डर में जो फाइल सेंड की है वो आती है इनबॉक्स में, रिसीव्ड मेल आती है कंपोज में, कंपोज में आप कंपोज कर सकते हो। उसके अलावा एक होता है स्पैम फोल्डर होता है, जो यहाँ दिख नहीं रहा है, स्पैम फोल्डर में जो ये अनवांटेड नाम से है, जो भी अनवांटेड मेल्स आपके कई बार एडवर्टाइजमेंट के लिए या कई ऐसी कंपनीज के लिए आ जाती है जो हमारे लिए यूजलेस है, या कई ऐसी मेल्स होती है जिसमें कि वायरस हो सकते हैं, जो हमारा ये जो ब्राउजर है वेब ब्राउजर उसको पता चल जाता है, उसमें ऐसी कोई कोडिंग होती है जो उनको पता चल जाता है कि ये सब वायरस हो सकता है, तो वो सारी स्पैम मेल फोल्डर होता है या अनवांटेड फोल्डर होता है उसमें चली जाती है। उसके अलावा हाँ ये रहा स्पैम फोल्डर, स्पैम में ये दो मेरे पास मेल ऐसी आई थी जिसमें मेरे ब्राउजर ने ये डिटेक्ट किया कि हो सकता है इसमें वायरस हो, या हो सकता है मेरे काम की नहीं है, तो ये अनवांटेड मेल्स इसमें शिफ्ट हो गई स्पैम फोल्डर में अपने आप। एक होता है ट्रैश फोल्डर, या ट्रैश दिखाई दे रहा है, जो कि जो भी मेल मैंने डिलीट की ना, जैसे हमारे कंप्यूटर में जो भी फाइल और फोल्डर हम डिलीट करते हैं वो कहाँ चला जाता है, रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन, तो ऐसे ही इस ईमेल अकाउंट में रिसाइकल बिन कौन सा है, ट्रैश फोल्डर। जो भी मेल हमने डिलीट किए, अभी अभी मैंने जो भी मेल डिलीट की थी ना, ये देखो रिसाइकल बिन में चली गई, मतलब ट्रैश फोल्डर में चली गई। अब आपको परमानेंटली, कई बार हम गलती से कोई मेल डिलीट हो जाती है हमसे, हम किसी और चेकबॉक्स पे क्लिक करना चाह रहे थे, कहीं और हो गया और वो गलती से मेल डिलीट हो गई, तो आपने फटाफट रियलाइज किया कि अरे मैंने गलती से डिलीट कर दी, तो आप ट्रैश फोल्डर में जाके उसको वापस निकाल सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो जो ये ट्रैश फोल्डर में जितनी भी फाइल डिलीट होकर यहाँ शिफ्ट होती है वो 30 डेज तक रहती है, 30 डेज के बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। तो या तो आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो फिर ट्रैश फोल्डर में जाओ और यहाँ से डिलीट की हुई फाइल जो है वो, या डिलीट फॉरएवर ऑप्शन आ रहा है, तो अब ये फाइल को कोई नहीं निकाल सकता, ये फॉरएवर डिलीट हो गई, लेकिन 30 डेज तक इसमें रहती है फाइल जो भी मैंने डिलीट की थी या डेट वाइज है, तो 30 डेज में मुझे रियलाइज हो गया तो मैं उसको वापस निकाल सकती हूँ। तो दिस इज लाइक अ रिसाइकल बिन ऑफ मेल बॉक्स, तो मेल बॉक्स के रिसाइकल बिन को बोलते हैं ट्रैश फोल्डर। मैम मैम हम आप जूम मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो आपके उधर जीमेल में मैसेज आता है? हाँ, अगर मैंने मीटिंग स्टार्ट नहीं की है और आपने ज्वाइन कर ली, अगर मेरी मीटिंग स्टार्ट है और आपने ज्वाइन किया तो कोई बात नहीं। जैसे मेरा 11:20 का टाइम था, आपने 11:15 पे ही ज्वाइन कर लिया तो मेरे मेल पे मैसेज आता है कि आपके पार्टिसिपेंट ज्वाइन करना चाह रहा है, ठीक है ना। तो आप दिए हुए, मेरे मीटिंग ऑन नहीं है और आपने ज्वाइन किया तो मेरे पास मैसेज आ रहा है कि कौन ट्राई कर रहा है मुझे ज्वाइन करने की, क्योंकि मेरा जूम का अकाउंट मेरे ईमेल से लिंक किया हुआ है इसे। क्या मैम? तो ये इनबॉक्स क्या है, होल ईमेल दैट पीपल हैव सेंड टू यू, सेंड फोल्डर होल्ड्स ईमेल दैट यू हैव सेंड टू पीपल, ड्राफ्ट फोल्डर होल्ड ऑल द ईमेल यू हैव स्टार्टेड राइटिंग बट नॉट येट सेंड, जो मैंने बताया था, एंड जंक फोल्डर होल्ड्स ईमेल दैट मे नॉट बी यूजफुल, जो आपके लिए यूजफुल नहीं है वो कहाँ चली जाती है, जंक में। द ट्रैश कैन और फोल्डर होल्ड्स ईमेल दैट यू नो लॉन्गर नीड एंड हैव डिलीटेड, टू डिलीट एन ईमेल यू सेलेक्ट एन ईमेल एंड देन क्लिक ऑन द डिलीट बटन फॉर इट टू द मूव फ्रॉम इनबॉक्स टू ट्रैश फोल्डर, ट्रैश फोल्डर में वो चली जाती है और 30 डेज तक रहती है। तो यहाँ पे एक बार ये इरेज करते हैं, अभी मैंने पढ़ाया था दूसरे क्लास, आपको टू फील्ड में क्या टाइप करना होता है, ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन यू आर सेंडिंग द मेल टू, पता ही आपको,
ये जो ऑप्शन है ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम यू वांट टू सेंड द कॉपी, ये इसके लिए गलत है, ये सीसी फील्ड में होता है। टू बॉक्स में आपको उस पर्सन का ईमेल एड्रेस लगाना होता है। सुशील जो है उसको अपने फ्रेंड को मेल भेजना है, तो उसका क्या स्टेप्स होगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? फोर्थ ओपन योर ईमेल अकाउंट, जो भी ईमेल अकाउंट है जीमेल या होममेल वो ओपन करना होगा सबसे पहले। फिर सेकंड के बाद मेल सेंड करना, तो कंपोज बटन पे क्लिक करेंगे। कंपोज के बाद फर्स्ट मैम ये ऑप्शन होगा, फर्स्ट होगा उस पर्सन का जिसको भेजना है आपको, उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे और सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लिखेंगे और मैसेज टाइप करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे मेल सेंड करेंगे। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, फोर्थ सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड। फिलिप्स के आंसर क्या होगा? इन द टू सेक्शन डैश इज टाइप फॉर सेंडिंग अ मैसेज थ्रू ईमेल, टू बॉक्स में हम क्या ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसीवर। द अटैच बटन इन ईमेल ऑफन हैज, अटैच बटन का सिंबल कैसा होता है? अभी मैंने बताया पेपर क्लिप। ठीक है। इन द डैश सेक्शन ऑफ ईमेल द टॉपिक ऑफ द मेल इज रिटन सब्जेक्ट। After trying the message in the main body of the email, typing the message in the main body of the email, send button. To click send. Send button. Okay. अब देखो जो मेल मैंने बताया था कि जो बोल्ड है इनबॉक्स में, जो बोल्ड दिखाई दे रहे हैं वो मैंने अभी तक पढ़े नहीं है, जो अभी तक आपने मेल पढ़े नहीं है आपके पास आए वो बोल्ड लेटर में दिखाई देंगे, और जो मैंने पढ़ लिए हैं वो नॉर्मल लेटर में दिखाई देंगे। अब मैं किसी का मेल ओपन करती हूँ तो मैं उस पर्सन को मेल पढ़ लिया मैंने और मुझे रिप्लाई करना है, तो मैं रिप्लाई पे क्लिक करूंगी और अपना मैसेज टाइप करके सेंड करूंगी उस पर्सन को, आपका रिप्लाई चला जाएगा। रिप्लाई और उसमें फॉरवर्ड में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज मैम रिप्लाई में हमको टाइप करना पड़ता है, फॉरवर्ड में जो इसने भेजा है वही हम किसी और को भेज सकते हैं। ठीक है, रिप्लाई तो आप टाइप करेंगे उसी पर्सन को, जैसे देवेंकर राय ने मुझे मेल किया है तो मैं रिप्लाई करूंगी, तो ये टू में कोई एड्रेस नहीं पूछेगा, ये इसी पर्सन को मेरा आंसर चला जाएगा। ठीक है, कुछ भी आंसर चला जाएगा इसी पर्सन को, अब ये मुझे वापस कुछ सेंड कर सकता है। और फॉरवर्ड का मतलब होता है मुझे एज इट इज, कोई भी मैसेज है मुझे एज इट इज, जैसे ये डोमिनो पिज्जा से मेरे पास एड आया है कि ये ऑफर चल रहा है। ठीक है, ये रिप्लाई पे किसने क्लिक कर दिया? ये मेरे पास ऑफर आया है कि ये ऑफर चल रहा है। अब मैं किसी और को ये बताना चाहती हूँ कि ये ऑफर आया है, तो मैं क्या करूंगी, सेम मेल में फॉरवर्ड करना चाहती हूँ, तो उस पर्सन का नेम ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा जिसको मैं फॉरवर्ड करना चाहती हूँ। ठीक है, तो उस पर्सन का मैंने ईमेल आईडी लिख दिया और सेंड किया, तो सेम टू सेम ये डोमिनोज का जो मेल है वो सेम टू सेम उस पर्सन को चला जाएगा जिसको जिसका ईमेल आईडी मैंने लिखा है। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, आपके पास गुड मॉर्निंग के या हैप्पी दिवाली के या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के जो मैसेज आते हैं वो सेम टू सेम तो आप आगे टू आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं, तो सेम मैसेज इफ यू वांट टू सेंड टू अनदर पर्सन देन यू कैन क्लिक ऑन द फॉरवर्ड बटन एंड टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन, एंड इफ यू वांट टू गिव रिप्लाई, जिसका मेल आपको मिला है आप उसी पर्सन को जवाब देना चाहते हैं, सीधा रिप्लाई पे क्लिक करो, वहाँ कोई एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसी पर्सन को जा रहा है वो मैसेज, टाइप करें और सेंड पे क्लिक करें। तो यहाँ दे रखा है कि इनका क्या यूज है, रिप्लाइंग का क्या मतलब है, मैसेज रिसीव किया इनबॉक्स का बताया, यहाँ पे मेल को ओपन करने के लिए आप उस मैसेज को क्लिक करें, रिप्लाई कर सकते हैं,
हाँ अभी जैसे मैंने मल्टीपल पीपल को मेल किया था, सेंट में जाके मैं देखती हूँ। अभी मैंने अलीशा और दो और लोगों को मेल किया था, ये है, ये तीनों का नेम लिखा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ मल्टीपल लोगों को किया था ना, तो नीचे रिप्लाई के साथ रिप्लाई ऑल भी लिखा हुआ आ रहा है। ऐसे ही अलीशा को जब ये मेल मिला होगा तो उसके भी नीचे रिप्लाई ऑल लिखा हुआ आएगा। अगर वो मुझे थैंक यू करना चाहते तो खाली रिप्लाई पे क्लिक करके बोलेगी कि थैंक यू मैम, ठीक है। लेकिन अगर उसको सब लोगों को, उसको पता है ये मेरे क्लास के ही दूसरे बच्चों को मैम ने मेरे अलावा मैसेज मेल किया है, तो रिप्लाई ऑल करके वो सबको कोई कुछ लिख सकती है। तो रिप्लाई ऑल में तीनों, जिन तीनों को मैंने मेल किया है उन तीनों का एड्रेस आएगा, जिन्होंने रिसीव किया उनके पास भी तीनों का, मेरे अलावा बाकी दोनों का आएगा। तो उन सबको कोई भी मेल, जैसे मैंने अगर इन तीनों को हैप्पी दिवाली विश किया होता, तो वो अलीशा मेरा मैसेज पढ़ने के बाद वो खाली मुझे सेम टू यू या हैप्पी दिवाली टू यू ऑल्सो एंड यू योर फैमिली ऑल्सो लिखने के बजाय वो देखेगी बाकी दो बच्चे भी मेरे ही क्लास के, तो इनको भी हैप्पी दिवाली बोल देती हूँ। तो हैप्पी दिवाली टू यू ऑल एंड टू योर योर्स फैमिली ऑल्सो भी लिख सकती थी, है ना। तो रिप्लाई ऑल भी कर सकते हैं और हम पर्सनली रिप्लाई भी कर सकते हैं। इट इज योर विश, कि अगर आपके पास एक मैसेज आया है जहाँ आपको पता चल गया है सीसी फील्ड में लिखा हुआ है और आपको पता चला है कि मैम ने मुझे विश किया और मेरे अलावा दूसरे बच्चों को भी किया है, तो आप रिप्लाई ऑल करके सबको विश कर सकते हैं या सबके लिए कोई मैसेज लिख सकते हैं। तो यू कैन रिप्लाई अ मैसेज, यू कैन रिप्लाई ऑल, यू कैन फॉरवर्ड अ मैसेज टू समवन एल्स ऑल्सो। समझ में आया डिफरेंस? और यस मैम। डिलीट करने वाला भी समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने कंप्यूटर की हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उनकी मेमोरी रैम रोम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सीपीयू की वर्किंग, ईमेल इंटरनेट और ईमेल क्रिएटेड कैसे की जाती है, कैसे यूज करता है, वो सब पढ़ा है। उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करूंगी जो आपके बुक के पीछे के हैं। मैंने हर पीडीएफ के नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा आपके बुक में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना, उनको मैं ये सेंड कर रही हूँ जो आपके बुक के अंदर है। तो आपको सैटरडे को नोटबुक मिल जाएगी, उसके बाद करना। ये कुछ कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज हैं, ये भी मैं सेंड करूंगी, ये आपके काम की। अगला टॉपिक हमारा एमएस वर्ड का है, तो यहाँ एमएस वर्ड के कुछ पॉपुलर शॉर्टकट, शॉर्टकट तो बहुत सारे हैं पर जो हमारे यूजुअली काम आते हैं वो सारे लिखे हुए हैं। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के सारे ऑब्जेक्टिव है। ये हम जब पूरा कोर्स हो जाएगा हाफ ईयरली का, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं करेंगे ये। इसमें कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज है, फिलअप्स हैं, ट्रू एंड फॉल्स है, तो ये सारे हम तब डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर और ये शॉर्टकट ऑफ कीबोर्ड भेज दूंगी, ठीक है। तो ये चैप्टर समझ में आ गया होगा पूरा। यस मैम। ओके देन, गुड डे ऑल ऑफ यू। थैंक थैंक यू यू मैम। वेलकम, टेक केयर, बाय।